हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आपने पत्ता गोभी की सब्ज़ी कई तरीके से बनाई होगी, पर आज हम पत्ता गोभी से जो रेसिपी बनाने वाले हैं वह बहुत ही अलग और टेस्टी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाना। मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो पत्ता गोभी, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद रफली चॉप कर लिया है। और अब हम एक पैन में पानी गर्म करके उसमें पत्ता गोभी को नरम होने तक उबाल लेंगे। इसके बाद जब पत्ता गोभी सॉफ्ट हो जाएगी तो हमें स्ट्रेनर की सहायता से पानी को अलग कर देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि पत्ता गोभी अच्छे से उबल जाए। और अब पत्ता गोभी ठंडी हो गई है तो हम इसे एक मिक्सर जार में शिफ्ट कर देंगे। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है 2-4 कलियाँ लहसुन की और 5-10 काजू। काजू आप अपने इच्छा अनुसार कितना भी डाल सकते हैं। और साथ में हम इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड करके बारीक सा पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब एक पैन लेना है और उसमें इस पेस्ट को डाल देना है। पेस्ट डालने के बाद हमें लेना है आधा कटोरी मिल्क और उसमें डालना है 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 4 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और उसके बाद हमें उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसे जो गोभी का पेस्ट बनाया है उसी में डाल देंगे। और साथ में डाल देना है 2 चम्मच मलाई और फिर उसको धीमी आँच पर पका लेना है। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर और मलाई डाल दी है और अब हम इसको धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और इस मिश्रण को लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। और इस तरह से चलाते हुए जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक चलाना है। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और उसके बाद हमें एक प्लेट में घी लगाकर इसको फैला देना है। और इसकी मोटाई हम अपने हिसाब से रखते हैं, जितना मोटा भी आपको चाहिए आप रख सकते हैं। और अब इसको फैलाने के बाद हमें रख देना है 2 घंटे के लिए फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए। और तब तक हम इसकी कड़ी तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर ले लिया मैंने एक पैन और ऑयल अगर मैंने जाएगा तो उसके बाद हमें उसमें डाल देना है कुछ खड़े मसाले, जैसे लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। और जब ये मसाले अच्छे से झटकने लग जाएंगे तो हमें डाल देना है इसमें कटा हुआ प्याज। और प्याज को हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और जब प्याज हल्का सा ब्राउन होने लग जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट और साथ में डाल देंगे हम टमाटर। और इनको 5 मिनट तक ढककर पका लेना है। और जब टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हमें तो हम उसमें डाल देंगे काजू। काजू अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। और उस काजू को भी डालकर थोड़ी देर पकाना है जिससे कि काजू भी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैंने काजू भिगोया नहीं है। और ये देखिए करी बन मसाला बनके तैयार हो गया है। तो हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और जब मसाला ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर जार में डाल के हमें इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हमने ले लिया है दोबारा उसी पैन में 2 चम्मच ऑयल। ऑयल पहले भी डल चुका है इसलिए ऑयल थोड़ा कम डालेंगे। और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है और साथ में हम डाल देंगे जीरा। और जीरा जब चटकने लग जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और नॉर्मल भी। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। और इनको डालकर हल्का सा बहुत धीमी आंच पर भून लेंगे, क्योंकि मसाला जलने का डर रहेगा। लेकिन भूनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हल्की आँच पर हमें 2 मिनट के लिए इसे भूनना है। और जब ये भून जाएगा तो इसमें पिसा हुआ मसाला, तैयार मसाला हम इसमें डाल देंगे। और साथ में ही हम डाल देंगे उसमें नमक और गरम मसाला और इसको पकने देंगे। तो अब यहाँ पर हमारी करी तैयार हो गई है। तो हम इसमें डाल देंगे गोभी वाला पनीर। और अब पनीर को काट लेते हैं। और देखिए पनीर कितना अच्छा जम के तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पर पनीर काट लिया है और ये पनीर तैयार हो गया है। और ये दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा लगता है और खाने में भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है गोभी की सब्ज़ी का। तो इस तरह से गोभी की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इसी के साथ इस
वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।